हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल से एक नया हफ्ता चालू हो रहा है, ठीक है। 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, ठीक है। इन पांचों दिन दोस्तों, कौन सी बड़ी न्यूज़ आने वाली है, कौन सी नहीं, ठीक है, ये मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है, कौन सी नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ हम इस वीडियो में कवर करके आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट को देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट दोस्तों हमें गिरावट के साथ क्लोज होते देखने को मिला। काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग ली, लेकिन संभल नहीं पाया। लास्ट के 5 दिन में उसने काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग किया। 16,600 का जो सपोर्ट लेवल था, वो ईजिली उसने होल्ड करके रखा लास्ट डे तक, लेकिन दोस्तों वो लास्ट डे की क्लोजिंग तक क्या हो गया, उसने ब्रेक कर दिया नीचे के साइड में। बाकी लास्ट 1 महीने का परफॉर्मेंस देखे तो 1 महीने में आराम से 1% की मार्केट ने रिकवरी की, ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और 16,000 से रिकवरी की, वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अब काफ़ी जल्दी 17,000 का लेवल ब्रेक हो जाए तो और भी हमारा जो पोर्टफोलियो है अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। खैर, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हफ्ता कैसा रहने वाला है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं दलाल स्ट्रीट के की पैक्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है दलाल स्ट्रीट के की पैक्स हैं, ठीक है, जो आज के डेट में ही अपडेट हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम बात करें, ठीक है, तो कौन कौन से की फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे। तो सबसे और बहुत बड़ा इस हफ्ते का RBI का मीटिंग होने वाला है, जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है, द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। उसका आउटकम कब निकल के आएगा, उसका आउटकम निकल के आएगा दोस्तों जून 8 को, मतलब बुधवार को। मतलब जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी 3 दिन की होती है, तो मतलब कल से ही चालू हो जाएगी, 6 को चलेगी, 7 को चलेगी और 8 को उसका आउटकम आएगा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन उसका आउटकम निकल के आएगा। तो शक्तिकांता दास जी दोस्तों क्या बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ी मार्केट के लिए बात रहेगी, क्या कमेंट्री कर रहे हैं ये, ठीक है। रेट तो सबको पता है हाइक होंगे, ठीक है, लेकिन बाजार जो एक्सपेक्टेशन करके बैठा है, आप जो एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं, मैं जो एक्सपेक्टेशन करके बैठा हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से हुआ या उससे कम हुआ तो ठीक है, अगर दोस्तों उसके बाहर हो गया, ठीक है, तो मार्केट इस चीज़ को सहन नहीं कर पाएगा। इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, सभी को पता है, क्यों, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई जो है दोस्तों, वो हमारे सर के भी ऊपर जा चुकी है, ठीक है। अभी अगर दोस्तों ज़्यादा होता है, ठीक है, तो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में कम होगा, या अभी कम होता है तो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में ज़्यादा रेट हाइक होगा, वो कुछ भी होगा, लेकिन दोस्तों सोच समझ के इनको करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो माहौल है अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हमें देखने को मिल रहा है। तो ये न्यूज़ सबसे बड़ी होने वाली है मार्केट के रिलेटेड, जो मार्केट को वन साइडेड कर सकती है दोस्तों एक सिंगल क्लिक में, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं, नीचे दोस्तों ECB की मीटिंग, सेम टू सेम यही प्रोसेस, ठीक है। जैसा दोस्तों हमारा रिजर्व बैंक, मतलब जो हमारा RBI है, जो MPC लेगा, वैसे ही दोस्तों यूरोपियन सेंट्रल बैंक ये भी सेम बैठक करेगी, ठीक है। इसका आउटकम निकल के आने वाला है जून 9 को, ठीक है, ठीक हमारे 1 दिन बाद, ठीक है। तो ये किस प्रकार से रेट हाइक करेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो इन्फ्लेक्शन है, ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट रेट के हाइक के साथ ही चलता था, इंटरेस्ट रेट के साथ ही चलता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी इंटरेस्ट रेट तो वहीं रह गया है, लेकिन इन्फ्लेशन सर के ऊपर निकल गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो लास्ट अभी इन्फ्लेशन शो किया गया था, ठीक है, यूरोपियन कंट्रियों के द्वारा, ठीक है, वो मल्टी ईयर हाई पे पहुँच चुका था, ठीक है, जो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने अग्रेसिव दोस्तों रेट को हाइक भी किए, जिससे पूरे ग्लोबली मार्केट को प्रॉब्लम भी हुई, ठीक है। और अब किस प्रकार से होता है दोस्तों, ठीक है, वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट है ना दोस्तों, मतलब 8 तारीख और 9 तारीख, मतलब बुधवार का दिन और गुरुवार का दिन, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है बाजार के लिए, ठीक है। तो इन दोनों दिन मार्केट में अगर हमने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया हो, ठीक है, तो थोड़ा संभलिएगा, ठीक है। ये दो पॉइंट तो सबसे इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, चले आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है
क्रूड ऑयल, जो कि दोस्तों बाजार के लिए अभी भी बहुत बड़ा परेशानी का कारण बना हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों ये $123 के ऊपर चले गया था, ठीक है, $123 के ऊपर। ये जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दोस्तों, ये जो यूक्रेन और रसिया का जो अभी ट्रेड वार चल रहा है उसके पीछे इसने इतनी बैंड बजा के रखी है। और हमारे देश में तो आपको पता है कि दोस्तों कितना ज़्यादा क्रूड ऑयल यूज़ होता है, लगभग 80% मार हम क्रूड ऑयल का भारत से बुलाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि रसिया हमें डिस्काउंट में दे रहा है तो हमें तो फ़ायदा होना चाहिए, तो पूरा 80% नहीं दे रहा है दोस्तों, वो मात्र 1% हम उससे ले रहे होंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2% ले रहे होंगे। हम एक देश पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, ठीक है, हम बहुत पूरे ग्लोबली मार्केट से क्रूड ऑयल लेते हैं, ठीक है, 80% भारत से हम माल बुलाते हैं क्रूड ऑयल का, ठीक है। अगर वो इतना महंगा मिलेगा, ठीक है, चलो ठीक है, 2% हम रशिया से बुला रहे हैं मान लेता हूँ, चलो ठीक है आपकी बात मान लेता हूँ, मैं 5% बुला रहे हैं, फिर भी 75% माल तो हम बाहर से बुला रहे हैं ना, 75% का माल तो हमें यही प्राइस से बुलाना पड़ेगा, तो हमारी कंडीशन तो ख़राब वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। तो क्रूड ऑयल अभी भी बहुत बड़ा दोस्तों प्रेशर मार्केट के ऊपर क्रिएट कर रहा है और हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नीचे पॉइंट देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, तो इकोनॉमिक डाटा की अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट में हमारे देश के लिए तो कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन चाइना से काफ़ी बड़ी खबर आते देखने को मिल रही है कि उनका इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है दोस्तों मई मंथ का, ठीक है, और जो उनका लॉकडाउन है वो धीरे से क्या हटते हुए देखने को मिल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो जिसके कारण जो उनकी इकोनॉमी है, ठीक है, वो वापस से ट्रैक पे आते देखने को हमें मिल रही है। अब आगे देखते हैं दोस्तों चाइना का क्या कंडीशन रहता है और वहाँ का इन्फ्लेशन किस प्रकार से रहता है, ठीक है। नीचे की अगर मैं बात करता हूँ मानसून प्रोग्रेस, मानसून प्रोग्रेस की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों मानसून प्रोग्रेस की जो साइकिल है अभी तो सही ढंग से चल रही है, ठीक है, वो कहाँ जाके पंचर हो जाए वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों मानसून का जो अभी अनुमान लगाया गया है वो सब सटीक बैठ रहा है, ठीक है, जिसके कारण दोस्तों जो फूड इंडस्ट्री रहेगी, ठीक है, और जो फार्मर इंडस्ट्री रहेगी वो बहुत अच्छी तरीके से अभी चल रही है, मतलब जो गणित लगाया गया है, ठीक है, वो सही बैठ रहा है। अगर मानसून सही समय पे आ जाता है, एंटर कर जाता है हमारे देश में, तो वो आगे भी वो साइकिल सही चलती देखने को मिलेगी, अदरवाइज़ अगर वो आगे पीछे होता है, ठीक है, तो फिर ही मानसून भी हमें गेम बिगाड़ते देखने को मिल सकता है। तो इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक है, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ तो बड़ा सा अपडेट होगा। उसके साथ ही दोस्तों और भी देखते हैं नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, US मई मंथ का जॉब का रिपोर्ट सामने आया है, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये 3 जून को बाहर आया है कि जो US गवर्नमेंट ने जो दोस्तों बताया था कि हमारा जो जॉब का डाटा आया है वो इस मंथ में काफ़ी अच्छा आया है, क्योंकि दोस्तों सब इकोनॉमी स्लो डाउन है, ठीक है, इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, सभी जगह परेशानी है, तो एक्सपेक्टेशन किया गया था दोस्तों कि 3,20,000 यहाँ पर जॉब रहेगी मई मंथ में, लेकिन दोस्तों वो 3,90,000 पे पहुँच चुकी है, तो ये बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, मतलब दोस्तों कंपनियों को भी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, जॉब्स की, कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम जॉब क्रिएट कर सकें, जिसके कारण दोस्तों जो हमारी इकोनॉमी हो GDP है उनको सपोर्ट मिल सके हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर पॉइंट सामने देखने को हमें मिला है। और उसके साथ ही अगर हम देखें कि हमें किस प्रकार से फोकस करना चाहिए मार्केट पे, ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो डेली बेसिस पे हम टेक्निकल एनालिसिस तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही देते हैं, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने दोस्तों FII और DII का ट्रेडिंग एक्टिविटी भी शो किया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, हम अभी इस वीडियो में भी आप लोगों को दिखा देंगे। और उसके साथ ही दोस्तों हमारी जो टॉप की कुछ इंडस्ट्री है, जैसे अभी ऑटो इंडस्ट्री, क्योंकि मई मंथ का बहुत सारी कंपनियों का दोस्तों ऑटो का जो परफॉर्मेंस है सेल्स का मंथ ऑन मंथ कंपेयर करने में अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। IT इंडस्ट्री में दोस्तों पब्लिक ने भर भर के पैसा डाला है, ठीक है, तो वहाँ से पैसा निकल भी भर भर के रहा है, और ख़ास करके कुछ टॉप कंपनी जो है जो हाई वेटेज लेके बैठी है हमारे मार्केट में, उनको थोड़ा सा संभल के आगे ट्रेड करना होगा, तभी वो मार्केट को संभाल पाएंगे, अदरवाइज़ अगर उनमें प्रेशर रिलीज़ होता है, ठीक है, तो अच्छी बात है, अगर उनमें प्रेशर आता है दोस्तों तो फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर मार्केट की बैंड बजते देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए जो आखिरी पॉइंट है FII और DII का वो भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ये जो FII का डाटा है, अभी 3 दिन हुए मार्केट को खुले इस समय ने, ठीक है, 1, 2, 3, और लगभग 6100
52 करोड़ की इन्होंने क्या कर लिया दोस्तों, सेलिंग कर दी, मतलब 6152 करोड़ की, 6152 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर लिए, मतलब ये अभी भी दोस्तों पीछे नहीं हट रहे हैं सेलिंग करने में, ठीक है। इनके ऊपर कुछ भी बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे बोलने पे तो ये रुकेंगे बिल्कुल भी नहीं। और उसके साथ ही हमारे DIA की अगर हम बात करें तो इनके बारे में जितना बोले उतना कम है, गिरावट का फ़ायदा तो उठा रहे हैं लेकिन उस कदर नहीं उठा पा रहे हैं जितना वो सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने लगभग 3475 मतलब 3475 करोड़ की बाइंग की है, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये मार्केट को नहीं संभाल पा रहे हैं क्योंकि उनके कंपैरिजन में ये हर बार पीछे रह रहे हैं, ठीक है। खैर आगे देखेंगे जिस प्रकार से वह में पूरा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब आप देख लीजिए इसमें से कितनी न्यूज़ काम की है कितनी नहीं है, ठीक है, और हमें किस दिन इन्वेस्टमेंट करना है किस दिन नहीं, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो, तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर ऐसे धमाकेदार अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।